आइए मेरे साथ आज के इस विशेष सत्र की शुरुआत करते हैं। गहरा श्वास भर के 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर को नमन करें और प्रार्थना करें कि सबल दें, शक्ति दें, साहस दें। ऐसी कामना करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। आसमान अथवा छत की तरफ करते हुए बड़ा ठहाका रिलैक्स। तो आज की इस कार्रवाई को हम अब यहां से आगे बढ़ाएंगे। आप सब मेरे साथ बढ़ते चले। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं स्ट्रेच, यानी पूंछ करते हैं स्ट्रेच। तो आज भी स्ट्रेच करेंगे, आज हम बैठ के स्ट्रेच करेंगे। जो हम रोज कल खींच के स्ट्रेच कर रहे थे खड़े होकर, आज उसको बैठ कर कैसे कर सकते हैं। दोनों हाथ सिर पर रखे, इंटरलॉक किया, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और कमर से ऊपर के शरीर को ऊपर खींच दिया। खूब खींचा खींचा खींचा, रोका रोका रोका, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। रिलैक्स, सांस खाली किया, फिर श्वास भरा, 2, खूब श्वास खींचा, भरा और पूरा ऊपर ले गया। श्वास को पूरा ऊपर भरते हुए हाथों को यही रोके, 5, 6, पेट को ढीला छोड़े, कमर को खींचने दे ऊपर की तरफ, हाथों को खींचने दे, 7, 8, 9, 10 और वापस। ये हमने कमर से ऊपर के शरीर की खिंचाई की, गहरा श्वास भरा, खाली किया। अब हम साइड स्ट्रेच, दाहिनी तरफ शरीर को ऐसे खींचेंगे कि वो कमर से झुका ले, खूब अच्छी तरह गर्दन साथ रखेंगे, अच्छी तरह खींचे, खूब अच्छी तरह। बीच में आए, सांस छोड़े, सांस भरते हुए बाईं तरफ, अभी बाईं तरफ मुड़े, इस तरह बाईं तरफ मुड़ते जाओ, मुड़ते जाओ, मुड़ते जाओ। और यहां मुड़े हुई अवस्था में रुको रुको रुको, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। ये हुई हमारी कमर से ऊपर के शरीर की खिंचाई। अब हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों हाथों की एक्सरसाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उल्टा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। दूसरा हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर उल्टा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। आप सब अपने कैमरे खोलें, आप कैमरे खोलेंगे तो यहां से पता चलेगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। खोल लें कैमरे, आज एक ग्रुप फोटो भी लेने वाले हैं, जिनके कैमरे बंद हैं वो कैमरे खोल लें। आइए फेफड़ों को खोलते हैं, यहाँ से दोनों मुक्ति पाते
पीछे एक दो, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भर के पीछे तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस रिलैक्स। ये हमारी हाथों की खिंचाई। अब दोनों हाथों को एक साथ, एक दो, श्वास भर के ऊपर खाली करके नीचे तीन चार पांच फिर उल्टा पांच चार तीन दो एक रिलैक्स। फिर गर्दन एक दो तीन फिर उल्टा तीन दो एक रिलैक्स। फिर कंधे एक दो तीन फिर तीन दो एक रिलैक्स। अभी बारी है पूरी बॉडी को स्टेमिना डेवलप करना, उसको मजबूत करना। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, सीधे आगे की तरफ मुंह करके हम दोनों हाथ की कोहनियां जमीन पर जमाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे और यहां से दोनों घुटने हवा में उठा देंगे, ऐसे शरीर को बिल्कुल पटड़ा बना देंगे, पट्टा फ्लैट रैंप बना दो बॉडी को। श्वास भर के रोको एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस वापस आ जाओ नीचे, रिलैक्स करो। अगर आपके पास आसन है तो नीचे लेट कर रिलैक्स कर सकते हैं। इसी पोज को हम दोबारा करेंगे, दोनों मुट्ठी जमीन पर, कोहनी जमीन पर, सिर्फ पंजे और कोहनियों तक हाथ जमीन पर रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी हवा में उठ जाएगी। दो, इस बार 30 का काउंट करेंगे, 30 वन टू आप देख सकते हैं ऐसे, थ्री फोर फाइव ऐसे बॉडी को पूरा फ्लैट बनाना है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन चेहरे पर मुस्कुराहट, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरे खाली करें, श्वास भरे खाली करें, पूरा श्वास भरे खाली करें, रिलैक्स। अब यहां से हम एक्सरसाइज करने वाले, बैठ जाएं। ये था पूरी बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को स्टेमिना बढ़ाने के लिए और आपकी अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए। ये एक आसन था जिसको हम प्लैंक बोलते हैं, पट्टा। अब हम पैरों के यानी कमर से नीचे की शरीर की स्ट्रेच और एक्सरसाइज दोनों इकट्ठी करने वाले हैं। तो आइए इसके लिए कैसे करेंगे हम इसको, कमर से नीचे के पैरों की स्ट्रेच कैसे करने वाले हैं। ऐसे सीधे बैठे और यहां से दोनों पैरों को सीधे रखें और पंजों को अपनी तरफ खींचे, पंजे अपनी तरफ खींचे, एड़ी बाहर पंजा अंदर, फिर पंजा बाहर एड़ी अंदर, फिर एड़ी बाहर पंजा अंदर, पंजा बाहर एड़ी अंदर, एड़ी बाहर पंजा अंदर, फिर पंजा बाहर एड़ी अंदर, और फिर इसको गोल गोल घुमा दो। इससे हुआ क्या, पैरों की खिंचाई हो गई, पैर लचीले बन गए,
और फिर पैरों को जमीन पर ऐसे मारना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, रिलैक्स। इससे अब हमारे पैर लचीले बने, हाथों की एक्सरसाइज। जो लोग खड़े होकर या जिनके घुटनों में दर्द है, जो खड़े होकर नहीं कर सकते, वो शरीर की खिंचाई बैठकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका शरीर को खींचने का, आप खड़े होकर करें, बैठ के करें। तीसरा तरीका है लेट कर करें। तो लेट कर कैसे करेंगे, दोनों पैर सीधे लेट गए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पीछे ले गए, और दोनों हाथ पीछे ले जाने के बाद हाथों को ऊपर खींचा, पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और पैरों को नीचे, श्वास भरे और पूरे शरीर को खींच दे, खींचे खींचे खींचे, रोके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स वापस, यानी बैठ जाए। हम लेट कर भी शरीर की स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे आपको इजी हो, जिनके पैरों में दर्द है वो लेट कर और बैठ कर शरीर की खिंचाई करें, और जो सामान्य है वो खड़े होकर शरीर की खिंचाई कर सकते हैं। आइए आज हम बैठ कर एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो मेरे साथ सारे लोग बैठ कर एक फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिस एक्सरसाइज से आपका हृदय, दिल यानी ये वाला पोर्शन, हृदय पोर्शन हमारा जो रक्त संचार के लिए जिम्मेदार है, और फेफड़े, पूरा रक्त संचरण तंत्र मजबूत हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। मेरे साथ संगीत की धुन के साथ आप सब तैयार रहे जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। गहरे सांस भरते जाओ, करते जाओ, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। गहरे सांस भरो, खाली करो, गहरे सांस भरो, खाली करो। पंडित जी गर्दन उठाओ थोड़ी हवा में, पंडित जी गर्दन उठाओ, हाँ जी बहुत बढ़िया। पैर और हाथ लंबे करो, पैरों को लंबे करो, पैरों को लंबे करो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, कीप कंटिन्यू, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। यानी जी करें, आप करें, प्लीज करते जाओ, कीप कंटिन्यू। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक माला, और विश्राम, विश्राम, 2 मिनट का विश्राम करें। जल्दी से गहरे सांस लो, खाली करो, गहरे सांस लो, खाली करो, यही क्रिया फिर से करनी है। अभी क्या करेंगे, हम लेट के करेंगे इसे, यानी गर्दन जमीन पर होगी और हाथ और पैर साइकिलिंग कर रहे होंगे ऐसे, और ये साइकिलिंग कम से कम 100 times हो। जब पैर सीधे हो तो सांस आप भर लें, पैर सिकुड़े तो सांस खाली करें, यानी सांस के साथ करते जाना है इसको। हमें ब्लड सर्कुलेट करना है, बॉडी वेट कम करना है, फैट कम करना है, और एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करना है। तो बड़ी जबरदस्त क्रिया है, करें शुरू, सारे करेंगे लेट के। मैं इसको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूं, आप सिर्फ देख लें कैसे करना है। यहां से
गर्दन जमीन पर, और जो पैर आगे जाएगा उसका दूसरा हाथ आगे जाएगा, ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट, ऐसे पैर और हाथ, पैर सीधा होगा श्वास भरा जाएगा, हाथ और पैर दोनों एक्सरसाइज कर रहे होंगे, पैर सीधा हो जी, हो जाए शुरू, चलिए कर दो डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत अच्छे करें, बहुत बढ़िया करें। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, दीप जी बहुत अच्छा कर रहे, ईश्वर जी बहुत तेज कर रहे, दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत मिलवाए, ये अमृत कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं ये चेहरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, विश्राम रिलैक्स। रिलैक्स, गहरा श्वास भरो, खाली करो, जो लेटे हैं लेटे रहो, फैल जाओ आप अपने आसन पर, आसन पर फैल जाओ, जो बैठ गए हैं वो बैठ के गहरे श्वास भरो और खाली करो, जो लेटे पड़े हैं वो पूरा गहरा श्वास नाक से भरो और मुंह से खाली करो, हा नाक से भरो और मुंह से खाली करो, हा हा के साथ, ताकि आपके हृदय को बहुत तसल्ली हो, पूरा ऑक्सीजन मिले और आपकी हार्ट बीट फिर से स्लो हो जाए और रिस्टोर हो जाए। करते जाओ, गहरे सांस नाक से भरे, जो बैठ के कर रहे हैं वो नाक से सांस भरे और मुंह से सांस छोड़े, हा हा की आवाज आने दो, हा हा की आवाज आने दो। जोयल चावला जी, आपका कैमरा अभी भी एंगल पर नहीं है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है सिर्फ। गहरे सांस भरे खाली करें, गहरे सांस भरे खाली करें, गहरे सांस भरे खाली करें, गहरे सांस भरे खाली करें। नीलेश जी, जल्दी से विश्राम करो, फिर करनी है यही क्रिया, फिर से हम यही कार्डियक एक्सरसाइज करने वाले हैं, और इस बार हम उल्टा करेंगे, जो साइकिल चला के अभी आगे गए थे अभी हम पीछे आएंगे ऐसे, और 50 से 0 तक के काउंट आप अपने आप गिनोगे। रेडी, हाथ हिला के बताओ, रेडी, जो जो रेडी है हाथ हिला के रेडी बताओ, वेरी गुड। बस ये मेरे 4-6 शेर बहुत अच्छे हैं, रेडी है, बाकी सब भी खोले, अपना कैमरा खोलो और कैमरा खोलो, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। रघुनाथ चवन जी बहुत बढ़िया, खुशी चवन, यस, और कौन है, बांगड़ जी, चलिए जी सब तैयार हो जाए और फिर से हम वही क्रिया करने वाले हैं। काउंट करें, 1, 2, 3। अभी काउंट होगा बैक, 50 से वापस, 50 से वापस, करते जाओ, पर बहुत बढ़िया, चरण धरती कर रही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हले जी तेज है स्पीड, उल्टा आना है, अब हले जी उल्टा आना है, एनी जी स्पीड तेज है, पैरों को सीधा होने दो, जगमग है होली के कहीं मेले, है होली के कहीं मेले,
यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Calm, relax, relax, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, श्वास भरो, खाली करो, हा की आवाज के साथ सारी थकान बाहर निकालो, सारी थकान बाहर निकालें, सारी थकान बाहर निकालें, सारी थकान बाहर निकालें, नाक से सांस भरें और मुंह से छोड़ें, हा, नाक से सांस भरें और मुंह से छोड़ें, हा। चलिए अब हम बैठकर एक एक्सरसाइज करने वाले, जितने लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा खोल लें, जितने लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा खोल लें, जी जितने लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा खोलें। और एक कंपटीशन करने वाले हैं, हमारी बहनें कितनी हैं आज यहाँ, दो, एमी जी और जोयल जी, और नई रेखा बहन भी है, और एक बच्ची खुशी है। अच्छा, कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन में हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हमारी बहनें यानी नारी शक्ति, भारतीय नारी शक्ति 1-2 बोलेगी, और हमारे सारे भाई लोग, हमारी भारतीय पौरुष, वो 3-4 बोलेगा। तो आई रेडी है, आप सीधे बैठ जाएं, दोनों पैर सीधे, और पैर सीधे रखने के बाद अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, हाथ और पैर दोनों की इकट्ठी होगा क्या, बस आप एक बार डेमोंस्ट्रेशन देख लें। डेमोंस्ट्रेशन ये है कि यहां से एक हाथ पीछे जाएगा और एक हाथ आगे, मार्चिंग, मार्चिंग एक्सरसाइज है। राइट हैंड आगे और लेफ्ट हैंड पीछे, निगाह भी पीछे, ये होगा 1, फिर ये चीज चेंज हो जाएगी, ये पोजीशन 2-3-4-5। करना क्या है इसमें, पूरे के पूरे इस पोर्शन को मूवमेंट देनी है, जहां ये फैट जमता है इस पोर्शन को मूवमेंट देनी है, गर्दन को, कंधों को मूवमेंट देनी है, लंग्स को सिकोड़ना है, खोलना है, हार्ट को सिकोड़ना है, खोलना है। तो ये पूरी की पूरी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो इसे करने के लिए हम जल्दी से, आप अपने माइक भी खोल दें, आप अपने माइक्स भी ऑन कर दें ताकि आपकी आवाज गूंजे, माइक ऑन कर दें, कर दीजिए माइक, खोल दीजिए, यू आर अलाउड, माइक खोल दें। तो नारी शक्ति तैयार है, हाथ हिला के दिखाओ, बहुत बढ़िया, जोयल चावला जी बहुत बढ़िया, हाथ हिलाओ, यस रेखा जी तैयार है, और फागुनी तैयार है, बहुत बढ़िया, 4 हो गए जी, प्लीज, हाँ, और भाई लोग तैयार है, यस ईश्वर जी, ईश्वर जी तैयार, बहुत बढ़िया, चलिए जी, नीलेश जी तैयार। तो अभी क्या करने वाले हम, चलिए जी नारी शक्ति शुरू हो जाओ, 1-2-3-4 भाई लोग बोलेंगे, शुरू हो जाओ, बोलो, आवाज नहीं आई आपकी, करें शुरू जी, शुरू करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आले जी गर्दन को भी पीछे ले जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आपके फोटो हो रहे हैं, आप करते जाओ, 50 हो जाए तो रुक जाना है, 50 हो जाए तो रुक जाना है, हो गया, हो गया, पर बहुत ज्यादा आवाज। फागुनी आप अपना कैमरा खोलो बेटा, यस अभी खोला आपने, अभी इसको क्या करना है, दोनों पैर खोल लेने, बहुत अच्छे, तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अब दोनों पैर खोल रहे हैं,
यहां से दोनों पैरों को 2 फुट का फासला, 2 फुट का फासला। इस बार 1 2 भाई लोग बोलेंगे और 3 4 बहने बोलेंगी, यानी नारी शक्ति 3 4 बोलेगी और हमारी जो भारतीय पुरुष शक्ति है वो 1 2 बोलेगी। तैयार है? दोनों पैर खोले, करना क्या है डेमो देखो। पहले सांस खाली करते हुए एक राइट साइड में राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड से आप ये पैर का अंगूठा टच करेंगे, ये लेफ्ट हैंड से राइट फुट का अंगूठा टच करना है, करके देखो। और गर्दन भी पीछे ले जानी है ऐसे, ये हुई पोजीशन 1। फिर पोजीशन 2 ऐसे चेंज करना है, अभी लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली को आप देखेंगे पीछे गर्दन मोड़कर, और राइट हैंड से लेफ्ट वाले पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, 2 3 देख सकते हैं अभी बस, 4 सिर्फ करते हुए देखो, 5 6 7 8 9 10 ये पूरे के पूरे धड़ को मूवमेंट देनी है, इसको एक्सरसाइज देनी है। रेडी? कर सकते हैं? करें तो चलिए, आप 1 से 50 तक के काउंट के लिए रेडी हो जाओ और शुरू करेंगे अब। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी तो कमाल कर रहे हैं जी, गजब, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। विश्राम करें जी, विश्राम करें। अच्छा, किसी को पसीना आया? पसीना आया किसी को? हाँ, अवले जी को आया। चलिए बहुत बढ़िया, हम मुस्करा दे। तो ये आज हमने एक्सरसाइज की बैठ के, जिस दिन आपको लगे कि आज खड़े होने में आपको मुश्किल है तो आप बैठकर भी कार्डियक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहां पर आप अपने इस पूरे पोर्शन को लचीला बनाने के लिए, चलायमान बनाने के लिए बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज बैठ कर दे सकते हैं, लेट कर दे सकते हैं, खड़े होकर दे सकते हैं। तो ये आज हमारा एक्सरसाइज फॉर्मेट था। अब हम इससे आगे के फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अष्टांग योग सीखना था 3 दिन में। तो हमने अभी तक सीखी 3 यानी 4 चीजों तक हम पहुंचे, प्राणायाम तक पहुंचे थे। आज हम 3 चीजों तक पहुंचे, यानी हमारा 2 चीजें थी। कौन बताएगा यम और नियम क्या क्या थे? माइक खोल सकते हैं। सत्य, अहिंसा, स्नेह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ हमारी बहन के लिए, एमी कुमार बहन के लिए, बहुत बढ़िया। सत्य अब है क्या? जब योग की तरफ हम बढ़ते हैं तो योग हमें स्वयं से जोड़ता है, स्वयं से। योग का मतलब है मिलन, जोड़। और जिम में जाने का मतलब होता है तोड़, वहां शरीर तोड़ते हैं, ठीक है। तो जिमिंग और एक्सरसाइज सिर्फ एक स्तर पर काम करती है, शरीर को मजबूत करती है। पर योग एक विज्ञान है, ये हमें कितने स्तरों पर काम करता है, ये 7 स्तरों पर काम करता है। और ये हमें जोड़ता है, किससे जोड़ता है? शरीर से आगे क्या क्या है समझना,
समाज, सबसे पहले समाज, समाज के बाद मैं स्वयं एक व्यक्ति, फिर व्यक्ति का एक शरीर, शरीर में इंद्रियां, मन, मन में चित्त, चित्त में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? तो अष्टांग योग कहता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में सबसे पहला चरण है समाज। तो पहले यहां आदमी सामाजिक कंडक्ट सीखता है कि समाज के दूसरे लोगों के साथ कैसे रहा जाए। ये बात योग पहले सिखाता है। पहला काम योग सिखाता है सामाजिकता, यानी हमारे सामाजिक दायित्व क्या है? सत्य बोले, हिंसा ना करें, अपरिग्रह, दुनिया का सारा सामान इकट्ठा ना करें, जितना आवश्यक है उतना करें, अस्ते, दूसरों का सामान ना उठाएं, और पांचवा ब्रह्मचर्य, यानी हम अपनी किसी भी शक्ति से, ब्रह्मचर्य का अर्थ यहां विपरीत है, अलग है, यहां ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारा संयम ऐसा हो कि हम अपनी शक्तियों से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। फिर आता है दूसरा चरण योग का, वो है नियम। कौन बताएगा नियम क्या है? कोई नहीं? चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूं आपकी चुप्पी के लिए भी तालियां। नियम का मतलब है समाज से हटकर, योग कहता है बाहर से अंदर की तरफ आओ, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो। तो समाज से हटकर जब हम व्यक्तित्व पर आते हैं, तो यानी एक व्यक्ति के लिए जीवन के पांच नियम है, मुख्य रूप से आधारभूत पांच नियम है। शौच यानी सफाई, शरीर की बाहर से सफाई, अंदर से सफाई, इसको बोलते शौच। शौच का मतलब है सफाई, क्लींजिंग। तो सबसे पहला काम हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। सुबह योग में कोशिश करो नहा के बैठो, निवृत्त होके बैठो, शरीर को शौच करके बैठो, यानी साफ करके बैठो। शौच, संतोष, जो जितना है उतने में आप संतुष्टि रखें, ज्यादा की कोशिश करें, जितना आवश्यक है उतना लो, पर जितना है उसमें संतोष भी करो। उससे जो है उसको जीने में और उसका आनंद उठाने में आपको बड़ा बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। सोच, संतोष, तप, रोज करो, जो कर रहे हो उसे रोज करो, तपाओ अपने आप को। जैसे आप योग कर रहे हो, अगर रोज अगर एक घंटा करोगे तो आप तप जाओगे, यानी मजबूत हो जाओगे, उसमें आप जो है सिद्ध हो जाओगे। आप उस क्षेत्र में ज्यादा काम करोगे, वो क्षेत्र आपको लाभ देने लगेगा। तो आप तप यानी रोज अपने को तपाओ। स्वाध्याय, जो बातें मैं बता रहा हूं ये स्वाध्याय की है, रोज कुछ ज्ञान बढ़ाओ। स्वाध्याय का मतलब रोज ज्ञान बढ़ाओ। आपका जीवन बढ़ रहा है तो रोज कुछ ज्ञान बढ़े, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसमें और अधिक ज्ञान अर्जित करो। काम करने वाला ज्ञान, किताबों वाला ज्ञान नहीं, जो काम आए ऐसा ज्ञान। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्राणिधान। जो कुछ कर रहे हो ईश्वर को समर्पित करते चलो। अच्छा हुआ तो ईश्वर को समर्पित, बुरा हुआ तो ईश्वर को समर्पित, आपसे जो हुआ वो ईश्वर को समर्पित, जो नहीं हो पाया वो ईश्वर को समर्पित। इससे आपके मन में पश्चाताप और मलाल नहीं रहेगा। इसका लाभ ये है, मैं कोई धार्मिक बात नहीं कह रहा, पांडित्य की बात नहीं है, ये विज्ञान है। अगर ईश्वर को समर्पित कर, बुरा हुआ ये ईश्वर ने चाहा था, अच्छा हुआ तो ईश्वर ने चाहा था, अच्छे को ईश्वर को समर्पित किया तो घमंड नहीं, बुरे को ईश्वर को समर्पित किया तो पश्चाताप और मलाल नहीं। तो ये पांच नियम है जो एक व्यक्ति को, उन पांच मुख्य नियमों से अगर वो थोड़ा थोड़ा भी जीना शुरू कर दे, ध्यान भी रखना शुरू कर दे, तो जीवन सार्थकता और विकास की तरफ बढ़ चलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उम्र के किस पड़ाव पर है। दो चीजें सीख ली। अच्छा, कौन कौन नियम और यम याद रखेगा आज के बाद? हाथ खड़ा करो, कौन कौन यम और नियम याद रखेगा? और ये चर्चा आगे भी करना, अगली पीढ़ी में, अगले बच्चों में ये चर्चा भेजे,
ईश्वर जी ने हाथ खड़ा किया जी, बहुत बढ़िया। तो यम और नियम समझ में आए। तीसरा ये आसन, आसन 100,000 तरह के आसन है। आप जिससे भी सीखोगे योग वो कुछ ना कुछ अलग सिखाएंगे, हर व्यक्ति अलग तरीके से सिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे गलत है, सब सही है। आसन का मतलब है शरीर को लचीला बनाना, वो क्रियाएं जो शरीर के जोड़ों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बनाती है। आइए गर्दन को 3 बार घुमा दो, घुमाओ गर्दन 3 बार। ये क्या कर रहे हैं हम, गर्दन को लचीला बना रहे हैं, गर्दन को लचीला बना रहे हैं। तो ये हुआ हमारा आसन, 100,000 तरह के आसन है। अब जिसको मोटापा कम करना है उसके लिए आसन अलग है, जिसको मोटापा बढ़ाना है उसके लिए आसन अलग है, जिसको डायबिटीज ठीक करनी है उसके आसन अलग है, जिसको लो शुगर है उसको डायबिटीज ऊपर लानी है उसके लिए आसन अलग है, ब्लड प्रेशर के लिए आसन अलग है, डिप्रेशन के लिए आसन अलग है, सर्वाइकल पेन के लिए आसन अलग है, बैक पेन के लिए आसन अलग है, नी पेन्स के लिए आसन अलग है, आपके अर्थराइटिस के लिए आसन अलग है, और बेरिगोज बैंस के लिए आसन अलग है, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए आसन अलग है, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए आसन अलग है, आपके डाइजेशन के लिए आसन अलग है, आपकी ये गले को थायराइड के लिए आसन अलग है। यानी आपकी जरूरत के हिसाब से आप आसन का पैकेज चूज कर सकते हो, सारे आसन करने की आपको जरूरत नहीं जो लाखों आसन है। तो आप तो किसी जानकार व्यक्ति से जो योग जानता हो उससे आसनों का पैकेज अपने लिए ले लो और उसको परफॉर्म करते जाओ। आसन करने में मन आपको तैयार नहीं होने देता, खाने के लिए तैयारी, सोने के लिए तैयारी करने देता है वो, पर आसनों के लिए वो रेडी नहीं होने होता। तो आप किसी के सुपरविजन में, किसी की मॉनिटरिंग में कम से कम 1-2-3 महीने, अगर आप 3 महीने किसी की मॉनिटरिंग में आपने अपने पैकेज को फॉलो कर लिया, जिंदगी भर वो पैकेज आपसे जाएगा नहीं। बस एक बार कुछ महीने आप किसी के सुपरविजन में करना शुरू कर दो, तो ये आपको आसन अपना पैकेज रेडी लेना है। जो भी आपकी जरूरत हो, आप चाहें तो मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं। चौथा चरण है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों? अब जब हमने शरीर को लचीला बना लिया, अब शरीर के अंदर की परतों में घुसने की बारी है, उनको अंदर से मजबूत तो बाहर से मजबूत, अंदर से विकसित तो बाहर से विकसित। तो अब आप अंदर के स्तर पर चलेंगे, तो अंदर का स्तर है ये सारे के सारे अंदर के अंगों को मजबूत, आसन से ये सारे अंग मजबूत उस तरीके से नहीं होते। तो क्या होगा, जो सूक्ष्म शरीर है, जो ऊर्जा शरीर है, जो ताकत देता है, जो पावर हाउस है आपके अंदर, वो पावर हाउस किससे पावर पाएगा, ये अंग किससे चलेंगे? अंग तो आसन से आपने ठीक किए, हिलाए डुलाए, लचीला बना लिया, पर अंगों को पावर चाहिए, बिजली चाहिए। आपने खून तो दे दिया उनको, भोजन तो दे दिया उनको, पर बिजली कहां से लाओगे? तो वो जो पावर इसको चाहिए होती है, वो पावर हमें मिलती है प्राणायाम से। वो चौथा क्या चरण है, प्राणायाम। तो कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधे और हवा में कोहनी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। प्राणायाम में प्राण को आयाम देना है, प्राण को खींचना और छोड़ना है, सांस को भरना और छोड़ना है। प्राण का आयाम यानी प्राण की खिंचाई, प्राण का मतलब श्वास, श्वास का धागा, श्वास की डोर, इसे हमें खींचना है, भरना है छोड़ना 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 है। रिलैक्स, दिशा बदल दो, दिशा बदल दो, सांस ज्यादा जाए, सांस भरा जाए। 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब इस हिस्से को मजबूत करें किस प्राणायाम से, कपालभाति। सांस फेंकी, नीचे से एनल मसल खींचा, पेट को पीछे की तरफ धक्का दिया और श्वास को बाहर फेंका। जहां बैठे हो वहां वाइब्रेशन पैदा हो,
करते जाओ, अभी कितनी करनी है, कब कर, करते जाओ, कब करनी है, किस समय होगी, इसका साइंस क्या है, मुझे इससे कहां लाभ लेना है, कौन से स्टेशन पे मुझे ज्यादा पावर चाहिए, पेट खराब है तो पेट के स्टेशन पे पावर चाहिए, गुप्त रोग है तो मुझे स्वादिष्ठान केंद्र पर ज्यादा पावर चाहिए, अगर मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे अनाहत चक्र पर ज्यादा पावर चाहिए, करते जाओ, रुकना नहीं है, कपालभाति करते जाओ, कीप कंटिन्यू। और अगर मुझे मन की परेशानी है, वैचारिक परेशानी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस रहती है, तो मुझे अपने अग्नेय चक्र पर ज्यादा पावर चाहिए। और अगर मुझे मेधावी बनना है, जैसे बच्चे आज आए हैं, कई बच्चे मैं देख रहा हूं आज, उन बच्चों को जिनको तेज बनना है वो कपालभाति करें और उनको यहां पावर चाहिए, उनको पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों पर पावर चाहिए, तो उनके लिए उनको खूब कपालभाति खाली पेट करनी चाहिए। सुबह माँ बाप के साथ बैठे और माँ बाप बच्चों के साथ बैठे और कपालभाति करें। कपालभाति बच्चों को बड़ा जबरदस्त लाभ देती है, बच्चों को, बड़ों को, पर बच्चों की मेधावी शक्ति बढ़ा देती है, मेधावी शक्ति, क्योंकि इससे कपाल में चमक पैदा होती है, कपाल में भाति पैदा होती है, और वैचारिक शक्ति, मानसिक शक्ति, मानसिक विचार शक्ति और जो मेमोरी है, सबकॉन्सियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है, दोनों पिट्यूटरी पिनियली दोनों सिंक होके हार्मोनाइज होती है, तो वो हमारे एड्रेनलिन सिस्टम को पूरे को मजबूत करती है, और एड्रेनलिन सिस्टम जब मजबूत होता है तो वो उसके कनेक्टेड ऑर्गन्स को कंट्रोल प्रॉपर करता है, और इससे हमारी इंटरनल बॉडी, ये मेंटल बॉडी, दूसरा हमारा ANS PNS नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। तो अकेली क्रिया बड़े गजब की, विश्राम, रिलैक्स, दो प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम इस हिस्से को मजबूत करने वाला, रोज करना है। बच्चे भी ये प्राणायाम करें, बड़े गजब का प्राणायाम है। भूली हुई बातें याद आने लगती है, भूला हुआ लेसन बच्चों को याद आने लगता है, भूला हुआ लेसन बच्चों को याद आने लगता है। तो करना क्या है, बाईं तरफ से सांस भरनी है, दाहिनी तरफ से छोड़ देनी है, फिर दाहिनी तरफ से भरनी है और बाईं तरफ से छोड़ देनी है। आप हाथ ऐसे लगा सकते हो या उंगली ऐसे लगा सकते हो, पर गर्दन सीधी रहे, और उंगली को बहुत जोर से दबाना नहीं है, हमें सिर्फ सांकेतिक रूप से, सिंबलिक वे में यहां हल्का सा टच करना है। जैसे उंगली टच करोगे उस वाली नाक से सांस जाना या आना बंद हो जाएगा। जैसे यहां मैंने राइट साइड में टच की तो लेफ्ट साइड से सांस गया, राइट से बंद हो गया, फिर मैंने राइट में टच की तो लेफ्ट बंद हो गया, राइट से सांस बाहर आया, फिर यहीं से सांस अंदर लिया राइट से और छोड़ दिया लेफ्ट से। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जिनका काम ज्यादा टेंशन का है, जो सारे दिन ज्यादा चक बोलना पड़ता है या बहुत पब्लिक डीलिंग है, वो ये प्राणायाम 15 मिनट रोज जरूर करें, 15 मिनट रोज करें। एक मिनट में 5 राउंड होते हैं, 5 राउंड। कैसे, यहां से राइट साइड से नाक बंद की और बाई तरफ से सांस भरा, 5 सेकेंड में सांस अंदर, फिर दाहिनी तरफ से सांस बाहर छोड़ा तो 5 सेकंड में बाहर, फिर दाहिनी साइड से सांस भरा 5 सेकंड में अंदर, बाईं साइड से सांस छोड़ा 5 सेकंड में बाहर, 20 सेकंड एक राउंड, फिर वापस शुरू हो जाओ, बाईं तरफ से सांस भरो, दाहिनी तरफ से छोड़ो, फिर दाहिनी तरफ से भरो, बाईं तरफ से छोड़ो, बहुत बढ़िया। और आंखें बंद कर लो, इसमें कोशिश करो आंखें बंद हो, आंखें बंद होंगी तो बैटरी चार्जिंग मोड पर, आंखें खुली होंगी तो बैटरी डिस्चार्जिंग मोड पर। हमारी आंखें हमारी बहुत ऊर्जा, बड़ी एनर्जी खर्च करती है, जैसे कैमरा मोबाइल में बहुत एनर्जी खाता है,
वैसे ही आंखें बहुत एनर्जी खाती है। प्राणायाम में आंखों को बंद रखा जाए तो लाभ दोगुना हो जाता है, यानी खर्चा कम हो जाता है और कमाई ज्यादा। कमाई का मतलब है एनर्जी ज्यादा ले रहे हो आप, चार्जिंग ज्यादा हो रही है। आंखें बंद हैं तो डिस्चार्जिंग कम हो रही है, आंखें खुली हैं तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बराबर है। तो आपने क्या करना है, आंखें और मुख दोनों बंद, करते जाओ, बाईं तरफ से सांस छोड़ते हुए विश्राम करेंगे, रिलैक्स। ये हुआ हमारा प्राणायाम। अब अष्टांग योग में आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम करने से अंदर के शरीरों को, अंदर के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिल गई और अंग भी मजबूत होंगे। पर क्या सिर्फ इस शरीर को चलाना, इन अंगों को चलाना ही जीवन है? क्या आप सिर्फ ये शरीर हैं? वो कहते नहीं, मैं यानी आप, ये उंगली जब आपकी तरफ जाती है, मेरी तरफ जाती है, तो मैं आपकी तरफ जाती है, तो आपका मैं। क्या आप सिर्फ शरीर हैं? नहीं। कौन बताएगा कि आप शरीर हैं? फागुनी बताएगी, आर यू ओनली बॉडी? फागुनी अपना माइक खोल सकते हैं बेटा, सारे का माइक खोल सकते हैं। क्या आप सिर्फ शरीर हो? हम क्या सिर्फ बॉडी हैं? हम सिर्फ शरीर हैं क्या? नहीं। फिर क्या है शरीर के साथ, क्या क्या है बहन जी? मन है, बुद्धि है, आत्मा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो शरीर एक हिस्सा है गाड़ी का, जो गाड़ी हमारे जीवन की है, द व्हीकल विच एक्चुअली इज नोन एज अ लाइफ ऑफ आर सेल्फ। हमारी जिंदगी का जो पूरा का पूरा सेटअप है उसमें शरीर एक है, वो बाइकल है, मतलब आधारभूत गाड़ी है। और उस गाड़ी में सवार जो बैठे हैं वो असली जिंदगी को चलाने वाली चीजें हैं। अब वो फिट नहीं होंगी तो ये पहिया ऐसे ऐसे टकराता रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, जितने अपराध होते हैं, चोर, उचक्के, डाकू, अपराधी, वो सब क्यों है? बॉडी तो उनकी ठीक होती है पर फिर भी गड़बड़ क्यों है? बिकॉज उसके जो राइडर है, सवार है, वहां गड़बड़ है। बॉडी ठीक है उनकी, बॉडी परफेक्ट है, बॉडी ठीक कर ली उन्होंने, बट राइडर्स में गड़बड़ है। तो हमें उनके राइडर्स को करेक्ट करना है। अब महर्षि पतंजलि राइडर्स को करेक्ट करने के लिए योग में साधन बताते हैं, यानी योग विज्ञान में चैप्टर खुलता है कि अंदर से कैसे मजबूत हो ताकि जिंदगी अच्छी बने। वो अंदर से मजबूती का अगला स्तर है प्रत्याहार। क्या है? वापस बोलेंगे सारे, प्रत्याहार। प्रत्याहार मींस हमारे अंदर एक मन है, मन एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर करता कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ पावर है। वो पावर जैसे गृह मंत्री के पास, होम मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, वैसे उसके पास 10 डिपार्टमेंट्स है, 10 डिपार्टमेंट है उसके पास। 10 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन सी? हाथ, पैर, मुख, 3 हुई। हाथ, दोनों हाथों को एक कहेंगे, दोनों पैरों को एक कहेंगे, 2। तीसरा मुंह, ये कर्मेंद्रिय, इससे काम होता है, मतलब बाहर की दुनिया के साथ हम संपर्क कैसे करते हैं, हाथ से, पैर से, मुंह से, या 2 हमारे जो क्लींजिंग वाले ऑर्गन है, जो हमारे अंग हैं शरीर की सफाई करने वाले, जहां से मल मूत्र त्याग करते हैं। ये 5 ऐसे अंग हैं जो घोड़े की लगाम की तरह इनके पास पावर है, इनके पास पावर है, दुनिया में यही एक्ट करते हैं। तो वो कहता है इन 5ों का कंट्रोलर, हाथ कब चलेगा, पैर कब चलेगा, किसको कौन थप्पड़ कब मारेगा, कौन कब किससे हाथ जोड़ के नमस्ते करेगा, इसको डायरेक्शन कौन देता है? कौन देता है बताएंगे? बच्चे बताओ, हु इज डायरेक्टिंग योर सेंसेस? मन। ये बच्चे कब बताएंगे मेरे बच्चे? यस रश्मि, बहुत अच्छे, मुस्करा दो बच्चे। ब्रेन, ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन तो एक ऑर्गन है, बट उस ऑर्गन को भी कंट्रोल करने वाला
माइंड है, हमारा चैटर एक सॉफ्टवेयर है जो बचपन से हम में धीरे धीरे डेवलप हो गया है, वो माइंड के पास कंट्रोलर है। अब ब्रेन नहीं कहता आप गुलाब जामुन खाओ, माइंड कहता है गुलाब जामुन खाओ, चॉकलेट खाओ, तो वो माइंड है, उसके पास 5 कंट्रोल है हमारी सेंसेस के। अब 5 और सेंसेस हैं हमारी, ये तो हमारी एक्शन सेंसेस हैं, 5 हमारी नॉलेज सेंसेस है, यानी वो ज्ञानेंद्रियां, वो कौन सी है, आंख, नाक सूंघने का काम करती है, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, एंड टंग टेस्ट का काम करती है, एंड स्किन त्वचा ये हमारी सेंसिंग का काम करती है, टच सेंसिंग का काम करती है। इन ये भी 5 सेंसेस हैं जो आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इनका कंट्रोलर भी मन है। मन के पास सारी पावर है, यानी बॉडी को कहां कैसे चलाना है, इसे चोरी करवानी है या पूजा करवानी है या लोगों की हेल्प करवानी है, ये मन कंट्रोल करता है। अब मन अच्छा होगा तो वो अच्छे काम की तरफ जाएगा, मन को अगर गड़बड़ से प्रोग्राम किया होगा, कंप्यूटर को जैसा प्रोग्राम दोगे वो वैसा ही ऑपरेट करेगा, तो अगर आपने मन को अच्छी प्रोग्रामिंग दी, सॉफ्टवेयर अच्छा बनाया, तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर आपको अच्छे कामों की तरफ ले जाएगा, विकास की तरफ, ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। अगर आपने उसको कहीं गलत प्रोग्राम कर लिया तो वो आपको गलत कामों की तरफ ले जाएगा। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगले चरण में हम क्या करेंगे, प्रत्याहार। का मतलब है कि ये जो मन ने पावर्स को बाहर गलत तरीके से यूज करना शुरू किया, या मन जो हमारी डायरेक्शन बाहर है पावर की, अब उस डायरेक्शन को वापस अंदर की तरफ करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, दोनों हाथ यहां, हम पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हाथ ऐसे रखे, गहरा सांस भरा और यहां से वाइब्रेशन के साथ ओम का उच्चारण किया, विचार रहित करने की कोशिश करें, अपने आप को विचार रहित बनाएं, जहां थॉटलेसनेस आप में आ जाए, अपने को थॉटलेसनेस की कंडीशन में लाने की कोशिश करें, आंखें बंद ही रखें, किसी भी सूरत में 3 से 5 मिनट आंखें नहीं खोलें, आंखें बंद रखें, कीप क्लोज्ड योर आईज। बैठकर अपने आप विचार रहित होते हुए देखें, आंखें बंद रखें, इस प्रोसेस में बांसुरी की धुन में मन को मिला देना है और अपने आप को थॉटलेसनेस कंडीशन में देखना है, विचार रहित अवस्था जहां कोई थॉट ना हो, कोई थॉट ना हो, थॉट अगर आता है आने दो, रोकना नहीं है, सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है, विचार के पीछे चलते जाओ, विचार जहां जहां आपको ले जाए जाते जाओ और बस उसको पीछे से देखते रहो, अगले 2 से 3 क्षणों में वो वापस आपके पास आ जाता है, और फिर जब आ जाए तो उसको तिलक अथवा बिंदी वाली जगह पर टिका दो, तिलक अथवा बिंदी वाली जगह पर रोक के रखने का बस आप प्रयास करें, और ना रुके तो फिर उसको पीछा करें,
और धीरे 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 हर बार वो वापस जाकर वापस आ जाएगा। जिनका वही टिक जाए सिद्ध मन में अपने आप को ध्यान टिक गया, प्रयास नहीं किया, प्रयास रहित क्रिया रहित मन की स्थिति, विचार रहित मन की स्थिति, कानों में बांसुरी की धुन, गहरा आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद ही रखें, धीरे से श्वास भरा, आंखों को ढीला छोड़ा, माथा भी ढीला छोड़ दिया। किसी भी सूरत में निर्देश ना मिलने तक आंखें ना खोलें। छोटा सांस लिया, दांतों के जबड़े ढीले छोड़ दिए, फिर एक छोटा श्वास अंदर गया, गर्दन को ढीला छोड़ा और श्वास छोड़ दिया, फिर एक छोटा श्वास अंदर गया, कंधों को ढीला छोड़ा और श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर एक और श्वास छोटा अंदर, हृदय क्षेत्र को ढीला छोड़ा और श्वास खाली, फिर एक छोटा श्वास अंदर, पेट को ढीला छोड़ा और श्वास खाली। अब पेट से नीचे के हिस्सों को, कमर को ढीला छोड़ा और श्वास खाली। अब दोनों पैरों को ढीला छोड़ा और श्वास खाली। दाहिने पैर के पंजे को हिलाया और ढीला छोड़ दिया, श्वास खाली। श्वास भरा, बाएं पैर के पंजे को ढीला छोड़ा, हिलाया और श्वास धीरे धीरे खाली। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधे रखते हुए श्वास भरा और पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी के अलावा सारा शरीर ढीला छोड़ दो और श्वास खाली। एक और गहरा श्वास भरो और धीरे धीरे नीचे जाने दो। एक और गहरा श्वास, धीरे धीरे श्वास खाली होने दो। अब इस विचार अवस्था में, यानी विचार रहित अवस्था में, इसी प्रकार कुछ क्षण बैठकर अपने आप का आत्म अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को। हाउ हैप्पी कूल And thoughtless you are। आप कितने खुश, कितने आरामदायक, कितने मस्त और कितने विचार रहित हैं। इस अवस्था को यही महसूस करते जाओ और इसमें जो एक विशेष आनंद, एक ब्लिस, हैप्पीनेस से भी आगे की एक ब्लिसफुल फीलिंग आपको आ रही होगी, वही जीवन का असली आनंद है। दैट्स द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर टू लिव अ बेटर एंड द बेस्ट लाइफ। इफ यू हैव अ ब्लिसफुल रिजर्वॉयर इनसाइड यू, यू हैव एनर्जी इन अबंडेंस टू लिव अ वंडरफुल लाइफ। अगर आप में इस
आनंदमयी ऊर्जा का भंडार अंदर है या इसे महसूस करने का, प्राप्त करने का, पैदा करने का मार्ग आपको मिल गया है, तो आप महान व्यक्तित्वों में से एक हो सकते हो। ये ऊर्जा आपको अच्छा जीवन, सबल जीवन जीने के लिए जो ताकत चाहिए वो प्रदान करती है। धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाएं, और आंखों पर हाथ लगाकर, आंखें खोलनी नहीं, आंखें बंद ही रहने दें, हाथ नीचे रखें। अब आप अपनी ध्यान रहित स्थिति को अपने बिंदी अथवा तिलक वाले स्थान पर एक सफेद बिंदु देखने में लगा दो। सफेद बिंदु को देखने में लगा दो। एक व्हाइट कलर का छोटा सा पॉइंट लाइक अ सन आप अपने माथे के बीचों बीच बिंदी अथवा तिलक वाली जगह पर देखने की कोशिश करो। अंदर की मन की आंखों से तिलक अथवा बिंदी वाले स्थान पर सफेद रंग का एक बिंदु देखने की कोशिश। वो सफेद, पीला या लाल भी हो सकता है, किसी को लाल अथवा पीला दिखाई दे सकता है। ध्यान को वहीं केंद्रित करें, एक स्थान पर केंद्रित करें। और धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाएं, फिर से तेज रगड़ें और आंखों पर गरम गरम हथेलियां लगाते हुए टिमटिमाते हुए आंखें खोल दें। जब आंखें खोलें तो सामने जो व्यक्ति दिखाई दे उसे ईश्वर का प्रतिरूप मानकर नमस्ते करें। नमस्ते, मेरी आत्मा यहां उपस्थित सारी आत्माओं को नमन करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप तीन और स्तरों को पार कर रहे थे, आज उनका अभ्यास कम हुआ। प्रत्याहार का मतलब आपने अपनी इंद्रियों की ताकत को अंदर समेटा, हथियारों को मजबूत किया। फिर आपने प्रत्याहार के बाद हम पहुंचते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब है विचार रहित स्थिति, एक बल्ब की तरह बस प्रकाश फैलता रहे, कोई विचार नहीं हो, कोई काम नहीं हो, बिल्कुल आइडलिंग, थॉटलेसनेस कंडीशन, थॉट आइडलिंग, विचारों की बिल्कुल सूनापन ध्यान कहलाता है। जहां पूरा का पूरा ऊर्जा शरीर ऊर्जा को संचित करता है और जो विचारों में खिंचावट होती है जिससे स्ट्रेस आता है वो सब हट जाता है। ध्यान का अभ्यास करने से स्ट्रेस हट जाता है, मन मजबूत होता है, इंद्रियों पर मन की पकड़ होती है और मन की डायरेक्शन अच्छी दिशा में जाने के लिए वो स्थिर होने लगता है। ब्रेन वेव्स डाउन होती है, ये साइंस है, ब्रेन वेव्स डाउन होती है तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। बच्चों को जो आज पढ़ा और वो कल भूल जाओगे, अगर उसके बीच में मेडिटेशन हो जाए तो वो चीजें परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो बच्चे मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें। करना क्या है, बैठना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट स्लो और थॉटलेसनेस कंडीशन, बैकग्राउंड में म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक हो सकता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, और प्यारा सा मेडिटेशन म्यूजिक। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, डाउनलोड करो किसी को भी और आप वहीं से सुनते जाओ। डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट मत करना, नहीं तो ऐड चल जाएगा और मेडिटेशन में आप विचलित हो जाओगे। ऐड बीच में चल गया तो मेडिटेशन में विचलित हो जाओगे। तो मेडिटेशन था ध्यान, ये था हमारा छठा चरण। फिर धारणा, धारणा का मतलब है सातवां चरण। धारणा में हम क्या करते हैं, वो जो थॉटलेटनेस कंडीशन थी, जो बल्ब सा जल रहा था, उस बल्ब को टॉर्च में लगा दो।
तो टॉर्च फोकस करती है उसे एक ही पॉइंट पर। धारणा का मतलब है टॉर्च की तरह एक ही जगह पर आपने अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित कर दिया। तो बच्चों को जिनका बोर्ड एग्जाम है, दसवीं का बोर्ड, बारहवीं का बोर्ड, सातवीं का पेपर, छठी का पेपर, सृष्टि कौन सी क्लास में है, खुशी कौन सी क्लास में है, पांचवी, बहुत बढ़िया, गुड गुड। अब जब पांचवी का पेपर आपके आने वाला है 3 महीने बाद, जब एग्जाम दोगे 2 महीने बाद, तो आप क्या करोगे, अगर आप अपने मेडिटेशन करने के बाद फिर अपना फोकस आपने मैथमेटिक्स पे लगा दिया, मैथमेटिक्स अगर किसी का पुअर है तो वो वहां लगा दो, साइंस पुअर है तो वहां लगा दो, इंग्लिश पुअर है तो वहां लगा दो, जहां आपने फोकस कर दिया, जैसे सनलाइट को लेंस में से फोकस करके कागज पर आग लग जाती है, एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही धारणा में हम अपना पूरा फोकस्ड एनर्जी एक जगह लगा सकते हैं, तो फिर हम उस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। जहां हम बड़े अपने को तकलीफ में पाते हैं, बॉस तंग करता है, आप फोकस बॉस की तरफ ही लगा दो, आपको काम पकड़ में नहीं आ रहा, काम पर फोकस लगा दो, आपको बीमारी ठीक होने में पकड़ में नहीं आ रही, उस बीमारी पर फोकस लगा दो, सारी एनर्जी को इकट्ठा करो, थॉटलेसनेस कंडीशन में लाओ ध्यान से, और धारणा वहां लगा दो, गजब के रिजल्ट है, गजब के रिजल्ट है, पक्का इंप्रूवमेंट होगा, पक्का डेवलपमेंट होगा, आई कैन गारंटी दिस। ध्यान धारणा, और इसके बाद आता है 8वां अंग समाधि। तो समाधि हम ग्रस्त के लिए नहीं है, वो साधुओं के लिए है जहां गुफा में जंगल में समाधि ग्रस्त हो गए, यानी धारणा को साधु ईश्वर पर लगाते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो समाधि ग्रस्त हो जाते हैं, धारणा लगाने के बाद समाधि ग्रस्त। तो हम ग्रस्त क्या करें, अपने जीवनी जीवन के कार्यों पर अपनी धारणा को लगाएं और वहां लगातार कंसिस्टेंटली हम वही काम करते जाएं, कंसिस्टेंटली हम वही काम, धारणा को वहां लगाकर वही काम रोज करें, तो जिस काम को हम करना चाहते हैं योग हमें उस काम को सिद्ध करा सकता है। ये इतना सरल प्रोसेस था जो विज्ञान शास्त्रों में लिखा है, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, उसको मैंने कोशिश की कि आज 3 दिन में आपको बहुत सरलता से जीवन की आवश्यकता अनुसार योग दिया, जिससे कि आप इसे अपना कर अपने जीवन में सुधार और विकास के रास्ते पर बढ़ सकते हो सहजता से। सिर्फ 1 घंटे ही करना है जो करना है, इसके अलावा तो जीवन में अपने आप घटित होंगे चमत्कार। आप तो सिर्फ 1 घंटे अपने जीवन के लिए निकालना है और बाकी चीजें आपके जीवन में स्वतः घटित होती जाएंगी। तो ये हमारा अष्टांग योग का 3 दिन का शिविर था। जिन लोगों ने यहां, अरे वाह, संख्या आज तो 30 की है, तो जिन लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार ये आगे ले जाना है, जो लोग चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू करें, उनके लिए अभी सचिन जी अनाउंस कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूंगा आप में से जिस जिसको 3 दिन में कोई लाभ हुआ, कोई फायदा हुआ, या उन्हें अच्छा लगा, माइक खोलो और जल्दी से बोलो, और बाकी सब जाइए मत, आपके लिए बड़ा विशेष एक संदेश है, वो भी सुन के जाना। नमस्ते सर। मुझे कल कपालभाति में मैंने जो कल बताया वो मुझे महसूस हो गया कि वो इंटरनल जो पाइपलाइन है वो हमें कैसे होती है। और हम ध्यान जब करते हैं, हम पहले से ध्यान करते हैं 2013 साल से, तो हमारे यहाँ अंदर एक चक्र घूमता है और ऊपर से ऊर्जा आती है जाती है, ये महसूस होता है हमें। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। आपके चेहरे से महसूस होता है कि आपके पास जीवनी शक्ति का भंडार है, आप इसे भरते जाओ और ये विद्या दूसरों तक बांटते जाओ। बहुत बहुत साधुवाद आपका।